everyone. Trishul Defense Academy welcome you all in our official YouTube channel. Dear students, आज जैसा कि हम सब जानते हैं CDS 1 2021 का exam आज चल रहा है और अभी जो हमारा first paper English का हुआ है वो English का paper हमारा over हो चुका है और उस paper analysis के लिए हम अपने Trishul Defense Academy के English teacher इंग्लिश एक्सपर्ट मिस्टर बीएल यादव सर को लेके आए हैं जो पेपर का ओवरऑल एनालिसिस करने जा रहे हैं. तो सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आज सीडीएस 1 2021 का ओवरऑल क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड क्या था. देखिए मैडम, जहाँ तक पेपर का सवाल है सीडीएस का इंग्लिश लैंग्वेज का, तो मैंने देखा है कि पेपर में लगभग सारी चीज़ों को कवर किया गया है. कवर इन द सेंस, अगर आप देखेंगे जो ग्रामर का सेक्शन होता है, मैंने देखा है कि ग्रामर में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इस तरह से कि पहले रिकॉग्नाइज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिया है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों को पहचानने के लिए जैसे वर्ड दिया है और ये पूछा गया है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि प्रेपोजिशन है, राइट. ये ग्रामर का एक सेक्शन बड़ा बेसिक लिया है इन्होंने. अक्सर पहले ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता था, लेकिन पिछले 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि ग्रामर से स्पॉटिंग रेट डायरेक्ट पूछने के बजाय यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं. लगभग 10 क्वेश्चन ही आया हुआ है. और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन निकल कर आता है स्पॉटिंग रेट, जिसको हम आप कॉमन ईयर कहते हैं, राइट. यहाँ से भी 10 क्वेश्चन है और ये लगभग ग्रामर से मैंने देखा प्रेपोजिशन को कवर किया है, नाउन्स को भी कवर किया है, प्रोनाउन को भी कवर किया हुआ है. लगभग ज्यादातर टॉपिक को कवर किया जी. ज्यादा मैक्सिमम इन्होंने जो क्वेश्चन कवर किए वो किस सेक्शन के इंग्लिश से किए हैं जी मैडम? ग्रामर, जो ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें तो ग्रामर सेक्शन में जो मैं देखा अभी एनालिसिस में कर रहा था, तो उसमें मैंने ये पाया कि प्रेपोजिशन और आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं. जो फिल इन द ब्लैंक का 10 क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा होगा कि जो 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के पूछे गए हैं वो टोटल प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर से क्वेश्चन. डिटरमाइनर भी क्या होता है कि आपका ए एंड द को डिटरमाइनर का चार्ज, राइट. तो प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स को उठाकर उन्होंने 10 क्वेश्चन ये बनाया है, प्लस ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए भी उन्होंने दिया है, उसमें भी प्रेपोजिशन को डाला हुआ है. ये चीजें हैं. ओके सर, इस बार का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चन पेपर से कैसे अलग था? अलग तो मैडम मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे पिछली बार इन्होंने क्या किया था, एक्टिव पैसिव नरेशन से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट. लेकिन इस बार वो सेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है उसके स्थान पर. बल्कि इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन का जो सेक्शन, जैसे अगर हम इंग्लिश ग्रामर को या इंग्लिश लैंग्वेज को कैटेगराइज करें तो आप देखेंगे 3 तरह ग्रामर से क्वेश्चन आता है, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट. इसके बाद फिर आता है वर्ड पावर का सेक्शन जी. वकैब का जो सेक्शन है, वकैब के सेक्शन में एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को इन्होंने कवर किया है पूरा, किसी सेक्शन को छोड़ा नहीं है. इसके बाद फिर आता है हमारा पैसेज, पैसेज भी पूछा गया है, क्लोज टेस्ट भी आया हुआ है और सेंटेंस अरेंजमेंट. सेंटेंस अरेंजमेंट बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि इस बार इन्होंने जो सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा है वो 2 तरह का अरेंजमेंट पूछा है, वर्ड अरेंजमेंट भी है और सेंटेंस अरेंजमेंट भी है. 10 क्वेश्चन वर्ड अरेंजमेंट और 10 क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी सेंटेंस अरेंजमेंट को भी भरपूर, कोई भी क्वेश्चन उसने किसी भी तरह का छोड़ा नहीं है. ये चीज है. ओके सर, क्या स्टैंडर्ड था क्वेश्चन पेपर? बहुत डिफिकल्ट था, मॉडरेट था जी, या बहुत ही इजी था? देखिए मैडम, अगर पेपर की हम बात करें, पेपर जो मैंने एनालिसिस किया उसमें मैंने ये पाया कि पेपर जो है वो एक नॉर्मल पेपर था. मैं ये कह सकता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि बेसिक से जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उठाए गए हैं वो बहुत नॉर्मल है. प्रेपोजिशन को पहचानने के लिए पूछा गया है और प्रोनाउन पूछा गया है, तो हम कह सकते, कैसे कह सकते हैं कि बहुत हार्ड पेपर है? हार्ड पेपर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये है कि जिस बच्चे की तैयारी, मतलब कि कोई टॉपिक उन्होंने छोड़ा नहीं और ग्रामर से लेकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक अच्छे से पकड़ बनाकर रखा है, तो उसका पेपर मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था. बहुत टफ नहीं जी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था. अगर बच्चों ने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन अच्छी करी है बिल्कुल, बिल्कुल. तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते बिल्कुल, हैं आराम से, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जी, जी. तो ये था ओवरऑल इंग्लिश का एनालिसिस ऑल डियर व्यूअर्स. अब हम आपको नेक्स्ट ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको देते गएंगे और आप तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस. थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद. वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी. आई एम बीएल यादव. बच्चों जैसा कि आज आप लोगों को पता होगा कि आज सीडीएस का पेपर 9 से 11 के बीच में आपका सीडीएस का पेपर था, तो आज हम उसी के एक्सप्लेनेशन को लेकर आया हूँ. जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीडीएस का पेपर इस बार हुआ है
उसमें लगभग जो 120 क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें कोई भी चीज़ छूटा नहीं है, लगभग सारा पूरा सेक्शन को उन्होंने कवर किया है। जैसे ग्रामर के भी क्वेश्चन हैं, रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी है, और आपका स्पॉटिंग एरर तो है ही है, फिल इन दी ब्लैंक्स भी है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पहचानने के लिए दिया है। देखिए बच्चों, ग्रामर से जो क्वेश्चन बनता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो ग्रामर का सेक्शन था, ग्रामर से जो क्वेश्चन आए हैं आपने देखा होगा, ग्रामर से मैं पहले भी इसके पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ग्रामर में जो सेक्शन आता है, पहला सेक्शन आपका निकल कर आता है बच्चों क्या, स्पॉटिंग एरर का, राइट। स्पॉटिंग एरर्स से क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। दूसरा सेक्शन है आपका फिल इन द ब्लैंक का है, किसका है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स का है, राइट। उसके बाद फिर है रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, जो आज पेपर 7 तारीख को जो आज संपन्न हुआ है, राइट। तो ग्रामर से लगभग स्पॉटिंग एरर, फिल इन दी ब्लैंक, रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में का ही सेक्शन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ग्रामर से जनरली यही तीन, एक सेक्शन और होता है ग्रामर का है, वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, राइट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो इस बार का जो CDS का पेपर हुआ है बच्चों, आप देखेंगे कि पूरा कंप्लीट ग्रामर से क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग इन्होंने क्या किया है, इस बार जो सेक्शन है आपने देखा होगा कि पहला सेक्शन जो ग्रामर का है, उसके बाद फिर एंटोनिम सिनोनिम्स है, उसके बाद फिर आपका पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, राइट। मतलब कि सारी चीज़ों को इन्होंने रखा हुआ है, ऐसा भी कोई भी चीज़ नहीं जो इन्होंने छोड़ा हो। पैसेज भी ऑलरेडी पूछा है, पैसेज तो पहले से भी आता रहा है, राइट। तो इंग्लिश की तैयारी बच्चों, मैं पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप तैयारी करें तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें। मतलब कि आपकी राइट अप्रोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन आता कैसे है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे कभी कभी फालतू चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। क्योंकि ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर का कोई भी सेक्शन मत छोड़िए। और ग्रामर में मैंने देखा है कि जो ग्रामर का सेक्शन निकाला गया है, वो ग्रामर का सेक्शन आपका पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी कुछ टॉपिक है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। और आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, यहाँ से तो क्वेश्चन है ही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने जो पेपर का एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि लगभग हर सेक्शन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को रखा भी है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत हार्ड भी नहीं पूछा है। अगर किसी बच्चे की जो तैयारी का क्राइटेरिया रहा है, अगर वो कोई चीज़ मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अगर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से उसका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। क्योंकि पेपर को देख रहा हूँ कि जो ग्रामर से क्वेश्चन आए हैं, ग्रामर के क्वेश्चन में भी उन्होंने काफ़ी तो कई क्वेश्चन तो एकदम रूल पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में रूल पढ़ते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह में, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम अभी कुछ सेक्शन को मैं आज उठाऊंगा, आपके सामने अभी रखूंगा। पेपर हमारे हाथ में है बच्चों, ये पेपर है। पेपर में हमने देखा कि पहला जो सेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद ये हमारे हाथ में जो पेपर है CDS का, ये टेस्ट बुकलेट जो नंबर है ये बी है, बी, हाँ, टेस्ट बुकलेट सीरीज बी है। बी में जो है, अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आए हैं 120 क्वेश्चन, और हर सेक्शन से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ग्रामर से भी है। फिल इन दी ब्लैंक में मैंने देखा है कि प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर से इन्होंने रखा है, प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर। अक्सर फिल इन दी ब्लैंक से जो क्वेश्चन वैसे आता है बच्चों, हर एग्जाम में मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चन आते हैं, वो या तो प्रीपोजिशन से आते हैं या तो आर्टिकल से आते हैं। आर्टिकल्स का मतलब वही डिटरमाइनर ही होता है, राइट। तो उन्होंने उस बार भी यही किया था, 10 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा था प्रेपोजिशन से, वही चीज़ इस बार भी है। इस बार इन्होंने प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर यानी आर्टिकल्स को मिलाकर पूछा हुआ है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा सीरियसली स्टडी किया है, मेरे ख्याल से उसका पेपर आज बहुत अच्छा हुआ होगा,
ठीक है। तो आइए हम कुछ सेक्शन को लेकर आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सेट हमारे पास सेट बी है। सेट बी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं पहले ले रहा हूँ बच्चों। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है 10 क्वेश्चन को मैं अभी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो ग्रामर, जो ग्रामर का सेक्शन है बच्चों, ग्रामर का सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि ग्रामर के सेक्शन में देखिए, जो आपका ग्रामर, ग्रामर में जनरली जो सेक्शन है, अब इस तरह से ग्रामर का जो क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया है वो है आपका स्पॉटिंग एरर है, स्पॉटिंग एरर, इसके बाद है आपका फिल इन दी ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं आप, रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद फिर है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, राइट। ये ग्रामर का सेगमेंट होता है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से भी आया हुआ है, यहाँ से भी आया हुआ है, राइट। ये सब सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पॉटिंग एरर ग्रामर का ही पूरा सेक्शन होता है। इसमें रिकॉग्नाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि वर्ड दे दिया गया है, वर्ड के नीचे अंडरलाइंड है, और ये पूछ रहा है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है, ऐसा पूछा हुआ है, राइट। तो आइए हम क्वेश्चन दिखाते हैं सेट बी का। हम स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। ये हमारे सामने क्वेश्चन, आज जो पेपर संपन्न हुआ है वे क्वेश्चंस आ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच का देखें, ये आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है, द प्रीचर सेट नो वन इज एबव द ऑल पावरफुल, राइट। नो वन इज एबव द ऑल पावरफुल। तो यहाँ पर एबव वर्ड जो है बच्चों, यहाँ पर जो एबव वर्ड आया है, एबव जो है आपका एबव ओवर, ये आपका प्रेपोजिशन होता है बच्चों। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पर। एबव, ओवर, ऑन, अपान, ये सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं, राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आया है, कह रहा है क्या, द मोस्ट ब्यूटीफुल सेवन मंकीज ऑफ द लैंडलॉर्ड वेयर टेकन फॉर अ स्ट्रॉल, राइट। द मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर दे रहा ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज, नाउन, राइट। द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, राइट। इसके बाद फिर आए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, एलास ही हैज़ बीन डिफीटेड, एलास जो है ये बच्चों आपका क्या है, इंटरजेक्शन है, राइट आंसर सी है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एलास इंटरजेक्शन है, यानी सी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इन द चीफ ऑफ द डे, राइट। तो यहाँ पर हु को अंडरलाइन किया है बच्चों। तो हु, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हु जो होता है हमारा बच्चों, हु जो होता है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, राइट। जब ये प्रश्न पूछने का काम करता है, बच्चों, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, और जब ये रिलेट करता है, यानी हु, विच, हुम, ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। जब ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हमने बोला दिस इज द बॉय हु इज टेलिंग ए लाय, यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है क्वेश्चन में कि द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इन द चीप ऑफ द डे, यहाँ पर बच्चों ये जो है आपका हु, यहाँ पर जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है,
क्या है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे, ये क्या है बच्चों? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब बी आंसर आपका होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है कि ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर अ लॉन्ग एंड ही नो ऑल द एनिमल्स हियर, राइट। तो यहाँ पर ही जो के बारे में कह रहा है बच्चों, तो ही जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये एंड को ये कर रहा है, एंड के बारे में पूछ रहा है कि जो यहाँ पर एंड है, तो एंड बच्चों यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, यानी बी आंसर होगा आपका। क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर एंड क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, राइट। दे हैव बीन सीन सॉरी दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, सिंस जो होता है, सिंस हमारा कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है, राइट। सिंस हमारा जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, सिंस का जो फंक्शन है, सिंस हमारा जो होता है वो कंजंक्शन भी होता है और हमारा प्रेपोजिशन भी होता है, राइट, और हमारा एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज कर रहा है दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिंस अर्ली मॉर्निंग जो लिया है, यहाँ पर मॉर्निंग आपका नाउन है, अर्ली यहाँ पर एडजेक्टिव है और सिंस हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों? एडवर्ब है। सिंस क्या है बच्चों? यहाँ पर एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, इसलिए दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस क्या है? एडवर्ब है, इसलिए आप बी ऑप्शन में टिक लगाओगे। कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा आपका, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेज, राइट। अब यहाँ पर दिस का क्या कंसेप्ट होता है बच्चों, थोड़ा सा इसको देखिए आप लोग। जो हमारा दिस का कंसेप्ट होता है, जो दिस होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा दिस जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता, सॉरी एक मिनट बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर जो दिस है, दिस और दैट ध्यान रखिएगा बच्चों, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, राइट। कैसे इसको समझेंगे? तो इसको समझने का तरीका ये है बच्चों, जैसे यहाँ पर अगर हम बोले, हमने बोला कि दिस इज माई पेन, हमने ऐसा बोला, फिर हमने बोला कि दिस पेन इज माइन, राइट, फिर हमने बोला दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पर जो दिस है ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर जो दिस है बच्चों वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि अपने बाद ये नाउन लिया हुआ है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, दिस हमारा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, राइट। तो दिस के तुरंत बाद जब नाउन आता है, दिस के तुरंत बाद नाउन आता है, तो दिस के तुरंत बाद जब नाउन आएगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और जब दिस के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा तो वही दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, राइट। तो आपका जो आंसर है बच्चों यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है उसका क्या है? दिस टाइम, दिस टाइम में दिस में अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों, दिस टाइम में दिस को अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो दिस है, दिस हमारा जो है यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव का फंक्शन कर रहा है दिस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा होगा बच्चों? ए होगा,
कौन सा आंसर होगा? ए होगा, राइट, डिमॉन्स्ट्रेटिव। 7 का आंसर ए, यानी क्या होगा ये? डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, राइट। इसके बाद फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, लव योर नेबर्स एज थाइसेल्फ। तो थाइसेल्फ जो होता है, वैसे तो सेल्फ जो लगता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है बच्चों? सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी। सेल्फ वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव, बोलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो दिया नहीं है, यहाँ पर देखिए कह रहा लव योर नेबर्स एज दाई सेल्फ। तो सेल्फ और सेल्फ जब लग जाता है तो वो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो वैसे ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर लव योर नेबर्स एज दाई सेल्फ, इसका मतलब यहाँ पर जो दिया है ये हमारा क्या है? ये दाई सेल्फ, ये प्रोनाउन है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। और जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगता है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? वो प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। इसके बाद फिर आइए, कह रहा रवि वन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन, राइट। क्या कह रहा है कि रवि वन द मैच विथ अ ह्यूज मार्जिन। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये क्या है? इंट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब है कि एडजेक्टिव है? तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर क्या है? ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव क्या है? आप लोगों को पता होगा कि जिसको हम हिंदी में सकर्मक अकर्मक क्रिया कहते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेकर आती है, राइट। तो यहाँ पर जो वन लिखा है, ये वन हमारा बच्चों क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी बी आंसर होगा हमारा। कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा। यहाँ पर वन जो है वो क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब है। वन कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसके बाद फिर आइए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देर वाज एन एक्सप्लेनेशन इन द ग्रुप। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कह रहा है कि क्या है? तो यहाँ पर बच्चों ये जो है आपका नाउन है। क्या है बच्चों? ये नाउन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो ये वर्ड दिया है, ये वर्ड क्या है बच्चों? यहाँ पर नाउन है ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये 10 क्वेश्चन हमने आज लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे जो मैं लेकर आ रहा हूँ, क्या स्पॉटिंग रेयर के जो 10 क्वेश्चन आए हैं उसको भी मैं अभी जस्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज यहीं तक बच्चों रखेंगे। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम 10 क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे, जो कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे जो आपके एग्जाम में अभी पूछे गए हैं, स्पॉटिंग एरर के होंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, जय हिंद। डिटेल्ड इंग्लिश आंसर की के लिए आप अभी हमारी वेबसाइट www.trishuldefenseacademy.com पे आंसर की विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप हमारे ब्लॉग www.blog.trishuldefenseacademy.com पे CDS 120/21 आंसर की पे क्लिक करके इंग्लिश की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।